इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, वाहन चालकों को किस तरह से इस गंदे पानी से गुजरने के लिए विभिन्न परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यह तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं पानीपत सेक्टर 6 से सामने आई हैं, जहां गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था ना होने के कारण सेक्टर वासियों में सरकार के प्रति भारी रोष देखने को मिला। सेक्टर वासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नेताओं से समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन रोड जाम करना पड़ा और जमकर सरकार विरोधी जोरदार नारे लगाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक महीना पहले भी रोड जाम किया था, लेकिन उसके बाद भी समस्या से निजात नहीं मिल पाई, जिसके चलते आज उन्होंने अनिश्चितकाल धरने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब तक जल निकासी की व्यवस्था सुचारू नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और क्या कुछ कहा सेक्टर वासियों ने, वह भी जरा आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये जैन चौक का जाम लगाया हमने, अभी यहाँ से मेन रास्ता ही हाईवे पे जाता है, यहाँ से नहीं काम चलेगा। कच्ची फाटक से लेकर के और पूरी मार्केट बीच के जितने रास्ते हैं सारे रामसुर चौक से जो गैस गोदाम को रोड जाता है वो भी बंद करेंगे, और जरूरत पड़ी तो जीटी रोड पे भी जाएंगे। जब तक के प्रशासन का यहाँ कोई लिखतम में नहीं देंगे ना, काम चालू नहीं कराऊंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। पहले भी कहीं यहाँ पर आए हैं, क्या लगता आपको? पहले कई बार प्रशासनिक अधिकारी आ लिए हैं, नेता लोग आ गए हैं, लेकिन सब आते हैं और मीठा आश्वासन दे जाते हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, दो दिन के बाद में हो जाएगा। अभी इसका 8 महीने पहले टेंडर बताया था, 8 महीने पहले टेंडर लग चुका था, 8 महीने पहले बात हुई थी ये, लेकिन उसके बावजूद फिर कोरोना का नंबर आ गया, वो गोल हो गया। अब बताते हैं कि एक नया टेंडर लगेगा, वो टेंडर कहाँ गया? देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि सेक्टर वासियों के जोरदार प्रदर्शन का प्रशासन पर क्या असर देखने को मिलेगा। ये प्रदर्शन पानी की निकासी को लेकर किया हुआ था, रोड जाम कर रखे हमने, पहले भी एक बार रोड जाम किया था, उस समय जो है एक्शन एमई जेई कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जो है इस समस्या का स्थायी समाधान करा दिया जाएगा, मगर उन बातों को भी लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है, आज तक ना तो पानी की निकासी की समस्या का समाधान हुआ और पानी जो का तो खड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। अब जो हमारा संगठन है उसने फैसला किया है कि भाई हम जो है इस धरने प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन समय तक जारी रखेंगे और ये धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं होगा। अगर प्रशासन यहाँ से नहीं जा गया उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो जीटी रोड नगर निगम का घेराव करना पड़ेगा तो भी हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।